हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आपका इस चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। और दोस्तों, आज है संडे और संडे कमेंट्स बॉक्स में हमने तीन टॉप क्वेश्चन के आंसर देने का निर्णय लिया है, जिससे मुझे लगता है कि ये तीनों जो क्वेश्चन है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और इस पर अलग अलग वीडियो भी बन सकती है। लेकिन मैं इनका रिप्लाई कर रहा हूं ताकि आपकी भी अगर ये प्रॉब्लम है या आपके साथ वाले की है तो वो हल हो जाए। यहां पर जो पहला क्वेश्चन पूछा है राकेश कुमार जी ने, हाउ टू फाइंड न्यू आउटलेट इन एरिया, यानी कि उनके एरिया में वो नए आउटलेट को कैसे फाइंड आउट करें। तो मैं कैसे करता था, आपके उस एरिया में काफी सारे सेल्समैन दोस्त होंगे, डिस्ट्रीब्यूटर के जो सेल्स पर्सन है उनसे भी आपकी दोस्ती होगी, नहीं है तो आज से ही करना स्टार्ट कर दीजिए। सबसे पहला पता उनसे ही पता चलता है, क्योंकि वो लोकल के मार्केट के होते हैं और हमेशा उस मार्केट में काफी लोगों से टच में रहते हैं। तो वहां से सबसे पहले पता लगता है कि उस एरिया में कौन सी शॉप ओपन हो गई। शॉप ओपन होने से 15 से एक महीने पहले ही पता चल जाता है, क्योंकि किसी ना किसी डिस्ट्रीब्यूटर से वो पर्सन माल ले रहा होता है, जिसको आगे 15 से 20 दिन में एक महीने में शॉप खोलनी होती है या रेट ट्राई कर रहा होता है। तो वहां से पता चल जाता है कि कौन सी शॉप खोलने जा रही है, किस लोकेशन पर, किस एरिया में, किस एड्रेस पर, और कौन सी शॉप ओपन होती है। तो आपको भी अगर सही टाइम से पता चल जाता है तो आप भी वहां पर अपनी कंपनी का प्रोडक्ट ले जाकर दिखा सकते हैं और अच्छी मात्रा में ऑर्डर ले सकते हैं। कई बार जो नए नए शॉप ओनर होते हैं वो डिस्ट्रीब्यूटर या डिस्ट्रीब्यूटर के लड़के से उतनी जल्दी ऑर्डर देना नहीं चाहते, क्योंकि उनको विश्वास नहीं होता कि मार्जिन सही होगा या कुछ इसमें फ्री आइटम होगा, वो ये लोग दबाते हैं। तो कंपनी का आदमी अगर पहुंचता है तो वो उसको सही तरीके से ऑर्डर दे देते हैं, वरना वो उस डिस्ट्रीब्यूटर से भी नहीं लेता, कहीं और से कटिंग का माल लेके आ जाता है। तो इस तरीके से नए जो रिटेलर हैं आपके एरिया में वो आपको पता चल जाएंगे। यहां पर एक क्वेश्चन है कि एफएमसीजी मार्केट में जो स्कीम होती है वो कैसे कैलकुलेट की जाती है किसी भी रिटेलर्स को स्कीम देने से पहले। तो यहां पर जो सबसे प्रचलित तरीका है वो है, एक एग्जांपल से मैं आपको समझाता हूं कि अगर कोई प्रोडक्ट 11 प्रोडक्ट लेने पर एक प्रोडक्ट उसको फ्री मिलता है तो टोटल उसको 12 प्रोडक्ट डिस्ट्रीब्यूटर के यहां से बिलिंग होती है। तो यहां पर स्कीम कैसे कैलकुलेट होगी, तो 11 पर एक फ्री है यानी टोटल 12 प्रोडक्ट, तो 1/12 नीचे रख देंगे इनटू 100 से आप उसको मल्टीप्लाई कर दीजिए। यहां पर निकल के आता है आंसर 8.33% की जो स्कीम है वो रिटेलर्स को जा रही है। यही सबसे प्रचलित तरीका है और इसी तरह से कैलकुलेशन की जाती है रिटेलर्स के लिए, होलसेलर्स के लिए। उम्मीद है आपको ये समझ में आ गया होगा। यहां पर मैंने एक अलग से डेडिकेटेड वीडियो बनाया है अपने चैनल पर, आप उसे भी जाकर देख सकते हैं। तीसरा जो क्वेश्चन है दीपक कुमार जी ने पूछा है कि मार्कडाउन क्या होता है और कैसे निकलता है। तो मार्कडाउन एक फ्लैट डिस्काउंट है जो कि मॉडल यूज होता है रिटेलर्स के लिए एफएमसीजी और चैनल सेल्स में। मार्कडाउन हमेशा एमआरपी पर काउंट होता है। जब कोई कंपनी एमआरपी से डिस्काउंट देना चाहती है अपने रिटेलर्स के लिए, कस्टमर के लिए, तो वहां पर मार्कडाउन कैलकुलेशन होती है, यानी कि डिस्काउंट जो होता है एमआरपी पर होता है, यानी मैक्सिमम रिटेल प्राइस के ऊपर। मान लीजिए कोई प्रोडक्ट है 100 रुपए, उस पर एमआरपी लिखा हुआ है और जो दुकानदार है वो आपको 10% का उस पर डिस्काउंट देता है, तो जो एमआरपी है उससे 10% लेस करके आपको वो मिल जाएगा, यानी कि 90 रुपए में। इसको कहते हैं मार्कडाउन। मार्कडाउन यानी कि जो एमआरपी है, मैक्सिमम रिटेल प्राइस है, उससे डाउन प्राइस पर वो हमें बेचना है, तो इसे मार्कडाउन कैलकुलेशन इसी तरह से की जाती है। इस पर भी एक डेडिकेटेड वीडियो है जो कि आप मेरे चैनल पर देख सकते हैं। अगर आपका भी कोई क्वेश्चन हो और चाहते हैं कि संडे कमेंट्स बॉक्स में उसको लिया जाए और सही तरीके से बताया जाए उसका आंसर, तो आप भी कमेंट कर सकते हैं मेरी वीडियो के नीचे। और अगर वो कमेंट्स अच्छा लगता है या अच्छा होता है सभी के लिए, तो मैं उसे जरूर बताऊंगा अपने अगले संडे कमेंट्स बॉक्स वाली वीडियो में। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आएगी और काफी नॉलेज मिली होगी। मिलते हैं अगली बार एक और लेटेस्ट वीडियो के साथ।